बिलारी में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्टेशन रोड स्थित नेताजी सुभाष पार्क में सबसे पहले नेताजी की प्रतिमा पर बड़ी संख्या में राष्ट्र प्रेमियों ने माल्यार्पण किया, उनके सम्मान में नारे लगाए। उसके उपरांत विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार जौहरी ने कहा कि वास्तव में सुभाष चंद्र बोस नेता कहलाने के हकदार हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। भारत देश कभी भी उनका कर्जा उतार नहीं सकता। हमें चाहिए कि उनके सपनों का भारत बनाने में जुट जाएं। मंडल अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। छात्रा सिमरन सक्सेना ने कविता प्रस्तुत की, जबकि शिखा सक्सेना ने देशभक्ति के गीत पर प्रस्तुति देकर सभी को चकित कर दिया। राजनीतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आकाश सक्सेना ने कहा कि सभी कायस्थ बंधु राजनीति में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज कराएं। मुरादाबाद मंडल की प्रथम महिला पायलट तराना सक्सेना की माता मीनाक्षी, पिता राकेश को सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश महामंत्री विपिन जौहरी, प्रद्युमन कुमार भटनागर, जिला अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, अर्जित सक्सेना, बिलारी नगर अध्यक्ष शिवेंद्र सक्सेना, युवा नगर अध्यक्ष अमित सक्सेना, प्रदेश सचिव युवा अमित सिन्हा, विशाल सक्सेना, मोनी भटनागर, गौरव सक्सेना, दीपक सक्सेना आदि ने विचार रखे। गन्ना पर्यवेक्षक अर्पित द्विवेदी जालौन और अर्पित श्रीवास्तव को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। हरीश माथुर ने हास्य रचना प्रस्तुत की, अध्यक्षता भगवान चंद्र सक्सेना, संचालन संजय सक्सेना ने किया। सभी का आभार कुलदीप सक्सेना ने जताया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की। बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि उन्होंने आदरणीय नेताजी की स्मृति में ये चेयरमैन साहब और सबके सहयोग से ये जो है स्थान पाया, और ये स्थान महापुरुषों की जयंती मनाने, शहीदों की स्मृतियाँ जीवित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा। अभी तक आपने हमने बहुत सारी बातें परम आदरणीय नेताजी के बारे में सुनी। सबसे अच्छा मुझे अभी तक का भाषण डॉक्टर मीनाक्षी जी ने बहुत स्पष्ट दिया कि वास्तव में उस समय की राजनीति में नेताजी या फिर और शहीदों की पोजीशन क्या रही, जिस कारण ये हुआ। 1857 से 1947 तक 7,32,000 लोग शहीद हुए, जिनके की नाम अंग्रेजों की कॉपी में डायरी में लिखे हुए हैं, और उसके अलावा कितने और लोग मरे जिनके नाम नहीं हैं। आज हम नेताजी को याद कर रहे हैं, बेशक आज उनकी जन्मतिथि है 122वीं, परंतु उस समय के जो हमारे प्रमुख शहीद थे, मंगल पांडे जी, सात्या टोपी जी, दामोदर चापेकर।